चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सियासत गरमा दी। कराची में सलाम शहदा रैली में अपनी वालिदा बेनजीर भुट्टो जैसा अंदाज, कारकुन पुरजोश। रैली से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा कि सानहे कारसाज के शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाने देंगे। बेनजीर भुट्टो का मिशन मुकम्मल करेंगे, जहां जहां जुल्म होगा वहां करबला का मैदान सजेगा। बिलावल ने इमरान खान को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि शेर के शिकार का ठेका एक खिलाड़ी को दे दिया गया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि वजीर आजम नवाज शरीफ इंतहाई मायूसी के आलम में हैं। सिंध और पार्टी में तब्दीली लाया हूं। हम मिलकर पाकिस्तान में भी तब्दीली लाएंगे, तख्ते रायवंड से भी आजादी लेंगे। हम मिलकर आजादी लेंगे, आजादी दहशतगर्दी से, आजादी कश्मीरियों के लिए, आजादी गुर्बत से, आजादी तख्ते रायवन से। शहला रजा भी बिलावल के खिताब के दौरान नारे लगाकर कारकुनों का खून गरमाती रहीं। खिताब के दौरान बिलावल भुट्टो बेनजीर के जिक्र पर आपदीदा हो गए। अपने खिताब में बिलावल का मजीद कहना था कि बीबी का शौहर आसिफ जरदारी, बेटा और जियाले आज भी जिंदा हैं। बेनजीर की शहादत के बाद आसिफ जरदारी ने पाकिस्तान कप्पे का नारा लगाया और पाकिस्तान को तरक्की की राह पर डाला।